हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव माहौल क्यों देखने को मिल रहा है और क्या कुछ इसकी बड़ी अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है, डिटेल से समझेंगे। और कैसा माहौल अब स्टॉक में देखने को मिलेगा ये भी हम समझेंगे। आगे की क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले अपडेट की तरफ चलते हैं, फिर हम चार्ट पे बात करेंगे। तो फिलहाल हम अपडेट पे आ गए हैं और अपडेट ये अभी आई है, मतलब आज आप डेट देख सकते हो 20 अगस्त को, और ये 10:06 AM पे ये अपडेट आई। यहाँ पे बताया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर धारकों को मिलने वाली है खुशखबरी, आज बड़े डिविडेंड का होगा ऐलान। यहाँ पे भाई जो वेदांता ग्रुप की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ऐसे में कंपनी जारी वित्त वर्ष के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का बड़ा ऐलान करने वाली है। और क्या कुछ डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है ये भी बताया जा रहा, बताऊंगी मैं आपको। एक मिनट, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कंपनी हिंदुस्तान निवेशकों को गुड न्यूज़ मिलने वाली। दरअसल कंपनी आज बोर्ड की मीटिंग करेगी जिसमें डिविडेंड पर मोहर लगाई जाएगी, जाने की प्रबल उम्मीद है। बता दें वेदांता हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे 6,36,5,891 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच दिए गए हैं, जिसके बाद वेदांता की इसमें हिस्सेदारी कम होकर 63.42% रह गई है। देखो ये तो मैंने कल आपको कवर की थी कि भाई जो वेदांता है ये अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे बेचेगी, वो मैंने आपको बता दी थी। अब डिविडेंड कितना इन्हें मिला है वो हम देखते हैं, BSE पे जाके चेक करते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं BSE की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप डेट की भी डेट आप देख सकते हो 20 अगस्त की। अभी कुछ देर पहले ये बोर्ड की मीटिंग ख़त्म हुई है और इसका आउटकम आ गया है। यहाँ पे जो डिविडेंट यहाँ पे बताया जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो अपूल द सेकंड जो डिविडेंट है ऑफ द 19 पर इक्विटी शेयर एग्जांपल 950% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंस ईयर 2024-5 अमाउंट। ये यहाँ पे कितना अमाउंट यहाँ पे ये करने वाले हैं, 8,028.11 करोड़ का। भाई डिविडेंट कितना मिला है, ₹19 का डिविडेंट, सेकंड डिविडेंट इन्होंने दिया है। अनाउंसमेंट दिया नहीं, अनाउंसमेंट है कि भी इतना इनको मिलेगी। अब डेट वगैरह कुछ बताई नहीं है कि भाई जो फाइनल डेट क्या होगी, किस डेट को ये मिलेगा। अब भी अमाउंट बताया गया है कि ₹19 का डिविडेंट यहाँ पे इनको मिला है, मतलब ये देंगे। ठीक है, ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। काफ़ी पॉजिटिव है, स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। फिलहाल अब भी भाई फाइनल डेट अनाउंस नहीं की है पे की, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ये अमाउंट बताया गया है कि इतने पर इक्विटी और 8,028.11 करोड़ का यहाँ पे ये टोटल जो अमाउंट रहेगा डिविडेंड का वो रहने वाला है। तो अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कैसा माहौल स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम चार्ट पे आ गए हैं और चार्ट पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में बताया था 485 का यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ से ही मार्केट रिकवरी दिखा रहा है। आज भाई 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि डिविडेंड की भाई काफ़ी अच्छा मिल रहा है, उसकी वजह से पॉजिटिव माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे डिविडेंड की डेट के मतलब अपडेट के बाद कि भाई आज इतने का डिविडेंड मिल रहा है ₹19 का ना, तो आप देख सकते हो आज का ये है चार्ट। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट ओपन करके देखते हैं। तो भाई यहाँ से भाई रिकवरी दिखा रहा है, तो भाई अब हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये स्टॉक 660 तक का हम टारगेट रखेंगे, यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। एक लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप देखोगे तो अच्छा आपको भाई रिटर्न मिल सकता है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि काफ़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली थी, ये अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि भाई टैक्स वैक्स लगे हैं जिसकी वजह से भाई जो माइनिंग वाले स्टॉक हैं उनमें गिरावट देखने को मिली थी।
बाकी स्पोर्ट पहला 485 का रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता फिर टेंशन की बात है भाई। अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हो ना, इसका भाई स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हो। इसके ब्रेकडाउन के बाद काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद के एनालिसिस ज़रूर करें।